my dear student good morning how are you i hope you're all good and your ma'am is also good thought of the day the energy of the mind is the essence of life meaning man Jeevan jivanka sar hai today i teach you EVS subject dear student

ई ओ एन एस क्वेश्चन आई एन इन ओ एन ई वन डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स राइट आंसर दीज क्वेश्चन इन वन वर्ड्स यहां पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन राइट किए हुए हैं आपको उनके आंसर राइट करने वन वर्ड में ओके चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन का हाफ ही राइट किया है क्यू एस -E आप भी हाफ ही राइट करिएगा क्वेश्चन नंबर वन डब्ल्यू एच आई सी एच विच बी आई आर डी बर्ड सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रोस, ई ए आर एल वाई एल आई एन इन टी एच ई द ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क विच बर्ड क्रोस एर्ली इन द मॉर्निंग कौन सा पक्षी सुबह जल्दी उठता है टेलमी कौन उठता है सुबह जल्दी कौन सा पक्षी आंसर इज कॉक सी ओ सी के कॉक कॉक मिस मुर्गा मुर्गा जो है वो सबसे पहले उठता है ओके नेक्स्ट राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू डब्ल्यू एच ई आरई R आर ए टी ओ जी डॉग एल आई E लिव क्वेश्चन मार्क वेयर आर ए डॉग लिव ए कुत्ता कहाँ रहता है मतलब कुत्ता रहता है, मतलब उस डॉग का हाउस को क्या बोलते हैं सो so, क्या राइट करेंगे डॉग हाउस को बोलिए आपको तो पढ़ाया गया है आपको मालूम भी है ये आपको इसको पिछली क्लास में भी बताया गया था डॉग के हाउस को क्या बोलते हैं कैनल आंसर राइट करेंगे के ई डबल एंड ई डॉग हाउस को क्या बोलते हैं कैनल है ना वेयर आर ए डॉग लीव वेनल नेक्स्ट राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी आई आर डी बर्ड सी एन कैन एनओ टी नॉट एफ एल वाई फ्लाई क्वेश्चन मार्क विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता टलमी कॉक कौ, कौन सा एक्सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है बट कैन नॉट फ्लाई आंसर इज ऑस्टरिच मतलब शुतुरुग स्पेलिंग ऑफ ऑस्टरिच आर टी आर आई सी एच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर डब्लू एच ए टी वॉट आई एस इज टी एच ई दी एस ए एन एन ई डबल जी एग क्वेश्चन मार्क वॉट इज द शेप्स ऑफ एन एग एन का यूज मैंने यहाँ पर क्यों किया क्योंकि ई e, जो है हमारा वर्बल्स है मैंने जैसे आपको पहले भी बताया वोवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होता है है ना वॉट इज द शेप ऑफ एन एग अंडा का आकार कैसा होता है टेल मी आपने एग को देखा है ना किस आकार का होता है बताइए किस शेप का ट्राइंगल रेटेंगल ओवल सर्कल करेक्ट आंसर इज ओवल है ना

टी डिजर्ट मींस रेगिस्तान विच एनिमल इज कार्ड शिप ऑफ द किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ये तो आप लोगों को मालूम है ना किसको कहा जाता है टेल मी करेक्ट आंसर इज कैमल मतलब ऊट को है ना ऊट को क्या कहा जाता है बताइए रेगिस्तान का जहाज है ना तो यहां पर राइट करेंगे कैमल स्पेलिंग ऑफ कैमल सी एम ई एल कैमल है ना नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन डब्ल्यू एच ओह आई एस इी एच इथ द एफ ए टी एच ई आर फादर OUR nation, who is the father of our nation? हमारे राष्ट्रपिता कौन है tell me. पंडित जवाहरलाल नेहरू नार महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस टेलमी करेक्ट आंसर बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू Yes or no? No. Very good. Correct answer is Mahatma Gandhi. M A H A T M A Mahatma G A N D H I Gandhi. महात्मा गांधी हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट डब्ल्यू एच ए टी वॉट आई एस इज टी एच इज दी एल कैपिटल एस आई टी वाई सिटी सिटी मीन शहर है ना ओ एफ ऑफ आई एन डी आई ए इंडिया वॉट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया भारत की राजधानी शहर कौन सी है मी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कैपिटल मीन्स राजधानी सिटी मीन्स शहर इंडिया मीन्स भारत सो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया मी कोलकाता मुंबई न्यू डेली करेक्ट आंसर इज मी, यस न्यू डेली है ना, मतलब नई दिल्ली एन ई डब्ल्यू न्यू डी ई एल एच आई डेली है ना न्यू डेली न्यू डेली कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन एच ओ डब्ल्यू हाउ एम एन वाई मैनी आर ए आर टी एच ई आई आर देयर आई एन इन आई एन डी आई ए इंडिया हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया हमारे भारत में कितने राज्य हैं करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी नाइन टू नाइन ट्वेंटी नाइन है ना नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन डब्ल्यू एच ए टी वॉट आई एस इज टी एच U डबल आर ई एन सी वाई कैरेंसी इंडिया -E What इज द करेंसी used इन in इंडिया भारत में इस्तेमाल होने वाले मुद्रा क्या है करेंसी है ना? मतलब मुद्रा जो भी पैसा हम यूज करते हैं या जो भी करेंसी इंडिया में यूज होती है उसको रुपी बोलते हैं आर यू पी डबल रुपी है ना इस तरह से भी इसको राइट करते हैं। मैंने मैथ में आपको ये चैप्टर सॉल्व कराया है ना चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज ओपन करने के बाद आपको राइट करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन W H A T, what IS is T H E the W H -e -l wheel wheel miss Chakra. A -t at T H E the C E N T R E center O F of T H E the t r e center L A G flag C A double card. What is the wheel at the center? Of the flag card. हमारा जो फ्लैग होता है उसके केंद्र में जो चक्र बना होता है उसको क्या कहा जाता है वट इज सेंटर ऑफ द फ्लैग कार्ड सो उसको क्या बोलते हैं मी अशोका चक्र है ना अशोका चक्र बोलते हैं तो यहां पर क्या राइट करेंगे आंसर में अशोका ए एस एच ओ के सी एच ए के आर ए चक्र अशोका चक्र है ना मतलब अशोक चक्र जो हमारा फ्लैग होता है उसके मिडिल में आपने देखा होगा बीच में एक चक्र बना होता है so, सो उसको क्या बोलते हैं अशोक चक्र है ना मैंने यहां पे देखिए अशोक का चक्र राइट किया है ना बट उसको हम क्या रीड करेंगे अशोक चक्र नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आई एन इन डब्ल्यू एच आई सी एच विच एस ई एस ओ एन सीजन डब्ल्यूवी डब्ल्यू आर वेयर डब्ल्यू ए आर एम वार्म सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉथ इन विच सीजन वी वेयर वार्म क्लॉथ हम कौन से मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं सो so, कौन से मौसम में पहनते हैं आपको तो भी मालूम है ना वेरी गुड विंटर विंटर सीजन में ना डब्ल्यू आई एन टी आर विंटर है ना

विच इज द बिगेस्ट सी एनिमल सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है कौन सा है शार्क या ब्लू व्हेल टेलमी करेक्ट आंसर इज ब्लू व्हेल है ना सो so यहां पर बी एल यू ब्लू डब्लू एच a l e whale blue whale नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 b a b y baby h o r s e horse i s is c a l l e d card, baby horse is called घोड़े को बच्चे को क्या बुलाते हैं पोनी p नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डब्ल्यू एच ई आरई वेयर डी ओ डू वाई ओ यू एस डब्ल्यू सी सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स क्लाउड्स मीन्स बादल वेयर डू यू सी क्लाउड्स हम बादलों को कहाँ देखते हैं अर्थ या फिर स्काई अर्थ मीन्स जमीन स्काई मीन्स आसमान किसमें देखते हैं स्काई मतलब आसमान पर है ना एस के वाई स्काई सो so, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको आज राइट कराए हैं ये आपके फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैंने आपको आंसर राइट कराए हैं इसका आंसर फ्यूचर में भी यही रहेगा चेंज नहीं होगा है ना सेम टू सेम आंसर रहेगा इसलिए आप लोग ये अच्छे से लर्न करिएगा ओके आपके फ्यूचर में भी क्वेश्चन बहुत काम आएंगे क्योंकि इनके आंसर चेंज नहीं होने हैं जो मैंने आंसर राइट कराए ये आपको किसी भी क्लास में आप अगर जाते हैं तो सेम ही आंसर ये रहेगा ओके अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करिएगा थैंक यू